तो हाय दोस्तों, तो यार कैसे हो आप सब? अपना हाल मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप टाइटल और थंबनेल में देखकर जान ही चुके होंगे कि आज का ये वीडियो किस बारे में है, तो उससे पहले दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। हमारी टेक्निकल प्यार फैमिली में 15,000 सब्सक्राइबर जो हैं पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आपको जाता है। तो मैं आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वेरी वेरी थैंक यू सो मच कि यार आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। यार मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हो रही है। ऐसे मुझे आगे भी आप सपोर्ट करते रहना, क्योंकि यार हमें बहुत आगे तक जाना है, यहाँ पर रुकना नहीं है। तो चलिए, डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बिमल सिंह और आप देख रहे हैं ओ मेरे यार टेक्निकल प्यार। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी YouTube की सेकंड इनकम आ चुकी है और उसी इनकम से दोस्तों मैंने एक न्यू मोबाइल परचेस किया है, जिससे आपको और भी अच्छी क्वालिटी दे सकूं, आपको और भी अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, जो मैंने मोबाइल लिया है वो मोबाइल है Samsung Galaxy J8 Infinity। सॉरी, ये तो डब्बा है। तो दोस्तों, जो मैंने मोबाइल लिया है वो मोबाइल है ये Samsung Galaxy J8 Infinity। तो दोस्तों, चलिए मैं इस मोबाइल के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये जो मोबाइल है वो कैसा दिखाई देता है, इसका स्क्रीन डिस्प्ले साइज कितना है। तो मैं अनबॉक्सिंग नहीं करूँगा, ना ही डब्बा खोल बताऊँगा आपको, मैं सिर्फ नॉर्मली बताऊँगा आपको इन्फॉर्मेशन के लिए कि इस मोबाइल में ऐसा खास क्या है। तो दोस्तों, ये है हमारा J8 Infinity मोबाइल। चलिए मैं इसके स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। इस मोबाइल में आपको मिलेगा सबसे पहले ड्यूअल कैमरा बैक साइड में, और फ्रंट साइड में मिलेगा एक सिंगल कैमरा। तो दोस्तों, जो बैक कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है, और जो सेकंड कैमरा है बैक साइड वो 5 मेगापिक्सल का है। देन दोस्तों, जो फ्रंट कैमरा है वो भी 16 मेगापिक्सल का है, और यहाँ पर आपको मिलती है 15.36 सेंटीमीटर HD प्लस सेमोल्ड डिस्प्ले। दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी बात है कि यहाँ पर आपको फुल HD डिस्प्ले नहीं मिलती, लेकिन प्लस पॉइंट यहाँ पर है सेमोल्ड डिस्प्ले है, जो काफ़ी अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होता है और काफ़ी लोगों को पसंद भी आता है। तो यहाँ पर जो SAMOLED जो डिस्प्ले है वो बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। देन दोस्तों, यहाँ पर प्रोसेसर आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 450 प्रोसेसर, और बैटरी मिलती है 3500 mAh का। देन दोस्तों, यहाँ पर अगर फीचर्स की बात करें, सेंसर की बात करें, तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक जो है आपको मिलता है यहाँ पर। और दोस्तों, यहाँ पर आपको जो इस मोबाइल में रैम जो है वो 4GB रैम मिलती है और 64GB की इंटरनल मेमोरी मिलती है। तो दोस्तों, ये तो होगी स्पेसिफिकेशन की बात, अब दोस्तों हम करते हैं मोबाइल की बात। तो दोस्तों, ये है हमारा J8 Infinity मोबाइल, जो सामने से ऐसा दिखाई देता है। देन दोस्तों, अगर हम बात करें बैक की, तो बैक में आपको यहाँ पर मिल जाता है ड्यूअल कैमरा, देन यहाँ पर फ्लैश लाइट है, और दोस्तों यहाँ पर लगा हुआ है सेंसर, फिंगरप्रिंट सेंसर लगा हुआ है, यहाँ पर सैमसंग का लोगो लगा हुआ है। और दोस्तों, यहाँ पर अगर हम इस साइड बात करें तो यहाँ पर आपको स्पीकर देखने को मिलता है, और यहाँ पर पावर बटन देखने को मिलती है। देन दोस्तों, इस साइड अगर हम टर्न करते हैं तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन की जो दो की है वो मिल जाती है, और यहाँ पर आपको सिम स्लॉट मिलते हैं। देन दोस्तों, चलिए मैं इस मोबाइल को आपको ऑन करके दिखा देता हूँ कि इस मोबाइल का इंटरफेस जो है वो ऑन करने में कैसा दिखाई देता है। चुका है, तो यहाँ पर मैंने पैटर्न ऑलरेडी डाल चुका हूँ। दोस्तों, ये मोबाइल को मैं ऑन करके देख चुका हूँ और अपना व्हाट्सएप वगैरह भी इंस्टॉल कर लिया है। मैं आपको ओनली जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये मोबाइल एकदम न्यू पैक नहीं है, मैं इसे यूज़ कर चुका हूँ, एक दिन मैं इसे यूज़ कर चुका हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार का इसका जो इंटरफेस है, इस प्रकार से दिखाई देता है। चलिए मैं आपको इसका कैमरा बता देता हूँ कि इसका कैमरा आपको कैसा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताता हूँ फ्रंट कैमरा, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है इसका फ्रंट कैमरा। यहाँ पर मिल जाता है सेल्फी फोकस, जिसमें आपको पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलता है, आप अच्छी खासी DSLR इफेक्ट की तरह फोटो ले सकते हैं। देन दोस्तों, आपको यहाँ पर मिल जाते हैं कुछ स्टिकर्स, तो ये स्टिकर आप देख सकते हैं, और ये देखिए कितने अच्छे अच्छे स्टिकर्स हैं, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, और कैमरा भी देख सकते हैं इसका कैमरा कैसा है। तो दोस्तों, ये है J8 का कैमरा 16 मेगापिक्सल का। और दोस्तों, इसका एक बहुत अच्छा फीचर मुझे लगा है कि जब भी इसमें फ़ोटो क्लिक करते वक्त हम फ्लैश लाइट ऑन करते हैं, तो यहाँ पर एक जो फ्लैश लाइट है कम ज़्यादा करने का फीचर्स भी है, जिसके द्वारा आप अपनी फ्लैश लाइट है उसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं फ्लैश लाइट में इफ़ेक्ट पड़ रहा है। दोस्तों, इसमें बैक कैमरा भी है, तो बैक कैमरा में भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पर
देखिए यहाँ पर आपको लाइव फोकस, ब्यूटी, प्रो मोड, पैनोरामा मोड, नाइट मोड, देन इधर स्टिकर्स, इसमें भी मिलते हैं आपको कंटिन्यू शॉट और बहुत सारी चीज़ें दोस्तों आपको देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों ये है मोबाइल जेड इन्फिनिटी, और भी दोस्तों इसके साथ बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन उन फीचर्स को बताने के लिए मुझे एक और दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा जिसमें मैं आपको सारे फीचर्स के बारे में बताऊँगा डिटेल में। तो वो वीडियो लगभग 5 से 6 मिनट का हो जाएगा, इसलिए दोस्तों ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं सारे फीचर्स को डिस्कस करता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मेरा जो पिछला मोबाइल था वो था सैमसंग गैलेक्सी G5 प्राइम, जिसका 13 मेगापिक्सल का कैमरा था और इसका 16 मेगापिक्सल है। तो हो सकता है इसकी क्वालिटी में थोड़ा वीडियो क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसी मोबाइल से बनाऊंगा। और अभी आपको साउंड में थोड़ी प्रॉब्लम भी आ रही होगी क्योंकि मैं बिना माइक के इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस मोबाइल में मेरा अभी कुछ दिनों से माइक सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। और दोस्तों यदि आप इस मोबाइल को खरीदना चाहते हैं, वैसे तो ये अभी 2018 का न्यू मोबाइल है, अभी अभी लॉन्च हुआ है, तो बहुत अच्छा मोबाइल है मेरे हिसाब से। और यदि आप इस मोबाइल को लेना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इस मोबाइल का लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसे परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी टेक्निकल प्यार फैमिली को ज्वाइन कीजिए। एक बार फिर आपसे बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोगों ने यार मुझे इतना सपोर्ट किया, और मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे आगे भी सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों चलिए अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय। देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे, इस देसी की फैनिया दुनिया हो रही रे। देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे।